सुपोषण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने पर दुर्ग नगर निगम के पार्षद मुख्यमंत्री के हाथों हुए सम्मानित। वहीं वार्ड 28 के पार्षद ने जताया मुख्यमंत्री का आभार। महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दुर्ग शहर के 60 वार्ड में चलाए गए सुपोषण अभियान के तहत दुर्ग निगम के वार्ड 27 व 28 के पार्षद मनीष बघेल और राकेश ओम प्रकाश सेन को उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है, जिन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवास के दौरान मेडल पहनाकर व प्रशस्ति पत्र देते हुए उनके योगदान की सराहना की और उन्हें सम्मानित किया है। गौरतलब है कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने दुर्ग नगर निगम के सभी 60 वार्डों में सुपोषण अभियान चलाया था। इसे सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए पार्षदों से उनकी सहभागिता निभाने की अपील भी की थी, जिसमें दुर्ग निगम के वार्ड 27 व वार्ड 28 के पार्षद राकेश ओम प्रकाश सेन ने इस जनहितकारी योजना में अपना पूर्ण योगदान देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुपोषण की राह पर अग्रसर किया। इनके इस योगदान को अविस्मरणीय बनाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्षदों का सम्मान किया, जिससे उत्साहित पार्षद राकेश ओम प्रकाश सेन ने इस सम्मान के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। इस संबंध में राकेश सेन ने अपना आभार जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। साहब ने जो हमारा सम्मान किया वो महिला बाल विकास द्वारा कुपोषण बच्चों का सुपोषण के संबंध में जो हमने काम किया, आगे आके जो बच्चों को परिवार को सुपोषण के संबंध में समझाई दी, तरह तरह के अपने वार्ड में प्रोटीन युक्त पाउडर दिया और भी बहुत सारे बच्चों से संबंधित उनके स्वास्थ्य संबंधित हमने जो भी चीज़ें दी उसके संबंध में हमको सीएम साहब ने वो पुरस्कृत किया और ये महिला बाल विकास का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा और सहयोग रहा कि जिनके मार्गदर्शन में हमने ये किया और इसके लिए हम सीएम साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त किए करते हैं क्योंकि उन्होंने हमको पुरस्कृत किया। और मैं तो चाहूँगा कि सभी पार्षद इसमें आगे आके महिला बाल विकास का जो प्रयास है उसमें सब शामिल। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।